नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आए हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आपके पास भी इस प्रकार के खाली आइसक्रीम के कप पड़े हैं और आप बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो ये वीडियो के बाद देखने के बाद में आप इन कपों को कभी नहीं फेंकोगे, क्योंकि ये इनका बहुत ही प्यारा यूज है और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आज मैं इनका इस्तेमाल करने जा रही हूँ, तो आपको बताती हूँ कि कैसे करना है इसका इस्तेमाल। और अगर आपके पास में इस प्रकार की पॉलीथीन भी है तो उनको भी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि ये भी बहुत काम की है जो पैक होती है और हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो हर चीज़ को संभाल कर रखनी चाहिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कहीं हर चीज़ काम में आ जाती है। तो मैंने ये मेरी ज्वेलरी ली है, और हम अक्सर ऑनलाइन ज्वेलरी मंगाते हैं या बाजार से खरीदते हैं, तो कभी कभार उन ज्वेलरी के साथ में कोई बॉक्स नहीं आता है। तो उनको क्या करिएगा कि इस प्रकार की ये पॉलीथीन है तो उसके अंदर पैक करके रखिएगा। और नकली ज्वेलरी का यही होता है कि अगर उसके पानी लगे या हवा लगे तो थोड़े दिन बाद उनका कलर ख़राब होने लगता है। तो इस प्रकार आप पैक करके रखोगे तो उनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा बहुत सालों तक। तो इस प्रकार देखिए, ये आइसक्रीम का जो कप है तो इसमें पैक करके रख देंगे। और आप के पास बहुत सारी ज्वेलरी है तो इस प्रकार बहुत सारे कप इकट्ठे करके रख दो, और उसमें आपकी चीज़ें जो भी ज्वेलरी है उनको पैक करके रख दो। और आप चाहो तो इन कप के ऊपर नाम भी लिख सकते हैं कि कौन सी ज्वेलरी किस में पड़ी है, जिससे आप बार बार ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और आपको जो भी पहनना होगा आप आराम से झट से निकाल कर पहन सकते हो और आपका टाइम भी बचेगा। और अगर आपके पास इस प्रकार की ज्वेलरी है जो मूर्ति नहीं है, थोड़ी कड़क होती है तो और बड़ी भी होती है, तो उनको इससे छोटे कप में कैसे रखेंगे? तो इसके लिए आपके पास इस प्रकार के बड़े जो कप होते हैं, हम बाहर से सब्जी वगैरह या मिठाई वगैरह मंगवाते हैं, नहीं तो हम बर्तन बार यूज़ करते हैं उसके साथ में भी इस प्रकार के जो आते हैं कप, तो उनको भी आप यूज में ले सकते हैं बड़ी ज्वेलरी के लिए। और छोटी मोटी ज्वेलरी के लिए तो आप आइसक्रीम कप का यूज कर सकते हो। तो देखिए, इस प्रकार सभी में मैंने अपनी ज्वेलरी रख दी है और उनके ढक्कन लगाकर पैक कर दिए हैं। अभी ये बहुत दिनों तक ख़राब भी नहीं होगी, क्योंकि इनमें हवा नहीं लगेगी, और जब भी आपको यूज करना है उनको निकाल कर यूज कर सकते हो। और ये देखिए, ये मेरा बाजू बंद है जो मैंने घर पर ही बनाया था, और हम बाजार से खरीदते हैं तो 250-300 रुपये लग जाते हैं, और ये 50 रुपये के खर्चे में ही मैंने घर पर बना दिया है। और इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, अगर नहीं देखा हो तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो इसको भी मैं पैक करके रख दूंगी अभी। तो देखिए, मेरे पास प्लास्टिक बास्केट है तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें रख दूंगी, ताकि सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी रहे और हमें इधर उधर ढूंढना ही नहीं पड़े। तो इसमें सारी मेरी जो वही ज्वेलरी है जो मैं कभी कभार यूज करती हूँ, वही चीज़ें हैं, कभी बाहर जाती हूँ तभी। तो इन सारी चीज़ों को इस बास्केट में रख दूंगी और बास्केट को पैक कर दूंगी। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती है जिसे हम बेकार समझ कर फेंक लेते हैं। तो देखिए, ये दवाइयों के बॉक्स हैं जो बच्चों के दवाई वगैरह लाते हैं, तो उनसे भी हम छोटी मोटी चीज़ें सजा कर रख सकते हैं। तो इस टोकरी में मैंने ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं डेली यूज में लेती हूँ वह सजा के रख रखी है। और ये भी बेकार पड़ी जो बॉक्स होते हैं, हम कुछ भी चीज़ें लाते हैं मंगवाते हैं तो उनके छोटे मोटे बॉक्स हैं जो फेंक देते हैं, तो उनको फेंकना नहीं है, इस प्रकार सजा के रखना है। इसके अलावा देखिए, ये ड्रॉ बताती हूँ मैं, तो इसमें देखिए ये मोबाइल के बॉक्स हैं, और कुछ किचन में कुछ सामान लाते हैं उनके बॉक्स है जिसमें मैंने दवाइयाँ रख रखी है, इस प्रकार सजा के, ताकि हम जो भी चीज़ ढूंढे वो एक जगह आसानी से मिल जाए। और दूसरी वाली ड्रॉ में देखिए, ये मोबाइल के बॉक्स और ये पॉन्स क्रीम के बॉक्स है जो मैंने खाली होने के बाद में फेंके नहीं हैं, और इनमें मोबाइल के पुराने चार्जर जो हमें कभी कभार यूज में आते हैं वो चार्जर, एयरफोन वगैरह सारी चीज़ें रख रखी है ताकि ढूंढने पर आसानी से मिल सके। तो इस प्रकार छोटे मोटे बॉक्स जो कागज़ के आते हैं उनको फेंकिएगा नहीं, और इस प्रकार घर को अच्छे से सजा कर रखिएगा, सारी चीज़ें समय पे मिल जाएगी और सजी हुई अच्छी भी लगती है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।